लगातार प्रयास करते हैं। और भाइयों बहनों, राजनीति जिन मूल्य और आदर्शों के लिए होनी चाहिए, उन मूल्य और आदर्शों की स्थापना के लिए सदैव अटल जी 6 दशक तक इतना लंबा जीवन, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी जिन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता था, यानी विरोधी भी अटल जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। कारण साफ था, क्योंकि अटल जी ने मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति की थी, अवसरवादी राजनीति को उन्होंने हमेशा दुत्कारा था। और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। हम सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा देकर के आम जन के जीवन के साथ और उनको मिलने वाली सुविधाओं पर वंचित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज जो हर गरीब को राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, ये अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन की सुविधा का लाभ अगर पहली बार किसी ने प्रारंभ कराया था तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति को बढ़ावा देकर के आम जन के जीवन के साथ और उनको मिलने वाली सुविधाओं पर वंचित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज जो हर गरीब को राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, ये अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन की सुविधा का लाभ अगर पहली बार किसी ने प्रारंभ कराया था तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। देश के अंदर हाईवे कैसे बनने चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना अटल जी ने दी थी। हाईवे 4 लेन 6 लेन 8 लेन के हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कैसे बननी चाहिए, ये सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। एक तरफ अटल जी का विराट व्यक्तित्व, 60 वर्षों तक भारत की राजनीति में चमकते हुए सितारे के रूप में देश का मार्गदर्शन करते थे, और दूसरी तरफ अब लोगों को 5 वर्षों में सत्ता मिलती है और आप देखते होंगे 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा, उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग जाता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं। खेत और खलिहान से उपलब्ध होते तो सबसे ज्यादा पैसा श्री राजकुमार चाहर के पास होता, क्योंकि हमारे किसान मोर्चा के वे अध्यक्ष हैं। लेकिन जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब, जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया, संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। हम लोग आए, मुझे आश्चर्य होता था जब हमारी सरकार आई, मैंने एक सर्वे कराया, ये बटेश्वर धाम है, मैं इसलिए यहां पर बोल रहा हूं इस बात को। मैंने इस बात में पूछा कि भाई आखिर संस्कृत के विद्यालयों में शिक्षक क्यों नहीं तैनात है? उन्होंने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है? और फिर हमने आदेश किया कि हर विद्यालय में संस्कृत के अध्यापकों की तैनाती तत्काल हो और योग्यतम आचार्य रखे जाने चाहिए। और दूसरी व्यवस्था हमने उसमें दी कि संस्कृत के बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रम पद्धति से चलाए जाने वाले उन विद्यालयों में उन छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाए, और अगर वह व्यवस्था आश्रम नहीं कर सकता तो उस व्यवस्था को सरकार अपने ऊपर लेगी। हर गरीब छात्र को संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे और किसी भी छात्र को और किसी भी आचार्य को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकार इस पैसे को कहां देती थी? उर्दू अनुवादक के लिए। संस्कृत के लिए शिक्षक नहीं रखना है, उर्दू अनुवादक के रूप में जरूर रखने का प्रयास होता था। और कैसे लोग रखे जाते थे जिनको स्वयं उर्दू नहीं आती थी? आप देखते होंगे उसमें से ज्यादातर लोग उर्दू के जानकार नहीं है, लेकिन रखना है तो खाना पूर्ति करने के लिए रख दिया गया। ये जो गरीब का पैसा था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर गरीब को उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये आवास पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन पहले गरीब का घर नहीं बनता था। ऐसे ही 200 करोड़ रुपए उस गरीब का इकट्ठा करके खा दिया जाता था।
आज तो अन्न योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाह, वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा, ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है और गरीब की आशीर्वाद में लगता है, गरीब की आग भी बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। गरीब का के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कामना हमेशा फलदायी होती है, और इसीलिए पिछली सरकारें गरीब का अन्न खा जाती थी, गरीब को मिलने वाले शौचालय को पैसा खा जाते थे, गरीब को मिलने वाला आवास का पैसा खा जाते थे, गरीब के विकास के लिए होने वाली योजनाओं का लाभ स्वयं भड़क कर जाते थे। और वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को दे रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे भाइयों बहनों, मुझे यहां की विधायिका और यहां के पूर्व विधायक राजा हरिधवन सिंह जी मुझे बहुत बार कहते थे कि अटल जी की भूमि पर आपको आना है। और अटल जी की भूमि पर क्यों आना, मैं उनसे पूछता था, भाई अटल जी क्या, अटल जी की भूमि पर तो मैं गया ही हूं। और कहते थे, देखिए अटल जी का परिवार और यहां के जो आचार्यगण हैं, ब्राह्मण समुदाय है, हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहा है, क्योंकि उनकी तपस्या के कारण, उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण यह क्षेत्र एक धाम बना, और इस धाम को विकसित करने की दिशा में हम लोगों का दायित्व बनता है कि अगर हमें आज दायित्व मिला है, जिस पार्टी को अटल जी ने सींचा, रोपा और आगे एक विराट वटवृक्ष मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार आगे कार्य कर रही है, उसका लाभ बटेश्वर धाम को भी प्राप्त हो, इस दृष्टि से हम लोग चाहते हैं कि बटेश्वर धाम में आप आ जाए। और भाइयों, इसीलिए सभी कार्यक्रमों को आज छोड़ करके, आज आपको याद होगा सुशासन दिवस है, अटल जी ने अपने जीवन में जितने भी ऐसे कार्य किए जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित है, वो सुशासन की श्रेणी में आते हैं। आज हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं के लिए, जिसमें संस्कृत के विद्यालय के बच्चे भी होंगे, स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। और लखनऊ में अटल जी की जयंती पर 60,000 नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरित किया, और प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को अटल जी को समर्पित करने वाली यह योजना हम लोगों ने आज समर्पित कर दी। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अटल जी के नाम पर अनेक कार्यक्रम चला रही है। आप सब जानते हैं अटल जी के नाम पर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी हम लोग लखनऊ में स्थापित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आपने देखा होगा अटल जी की विराट प्रतिमा लगाई गई है। प्रधान